तो वहीं से शुरू करो जो लास्ट क्लास में बताया था सर। हाँ ठीक है, ठीक, ओके। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में अब हमने देखे थे ये दो मॉडिफायर, एक तो यूवीडब्ल्यू मैप और अनरैप यूवीडब्ल्यू। ये किस काम में आता है? टेक्सचर्स को सेट करने के लिए ऑब्जेक्ट के ऊपर। जैसे मेरे पास एक सिंपल सा बॉक्स बनाता हूँ, इस पे एक टेक्सचर डालता हूँ और मैंने इसमें यूवी मैप मॉडिफायर डाल दिया और इसको मैंने क्यूब इसको बॉक्स कर दिया और इसकी सारी वैल्यू सेव कर दी। तो मेरा इस पर टेक्सचर प्रॉपरली सेट हो गया। तो हमने ये देखा था लास्ट टाइम पे कि किस तरीके से इसकी वैल्यूज वगैरह की किससे क्या होता है, और सिलेंड्रिकल या अलग अलग जो शेप्स हैं इसकी, इनसे अपने चेक किया था। क्या चीज? तो वहीं से शुरू करो जो लास्ट क्लास में बताया था सर। हाँ ठीक है, ठीक, ओके। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में अब हमने देखे थे ये दो मॉडिफायर, एक तो यूवीडब्ल्यू मैप और अनरैप यूवीडब्ल्यू। ये किस काम में आता है? टेक्सचर्स को सेट करने के लिए ऑब्जेक्ट के ऊपर। जैसे मेरे पास एक सिंपल सा बॉक्स बनाता हूँ, इस पे एक टेक्सचर डालता हूँ और मैंने इसमें यूवी मैप मॉडिफायर डाल दिया और इसको मैंने क्यूब इसको बॉक्स कर दिया और इसकी सारी वैल्यू सेव कर दी। तो मेरा इस पर टेक्सचर प्रॉपरली सेट हो गया। तो हमने ये देखा था लास्ट टाइम पे कि किस तरीके से इसकी वैल्यूज वगैरह की किससे क्या होता है, और सिलेंड्रिकल या अलग अलग जो शेप्स हैं इसकी। हेलो हेलो, ठीक है, एक मिनट। हेलो, अब तेज आ रही है सर? ठीक है, ठीक, ओके। वो क्या दूर रख दिया मैंने थोड़ा सा, इसलिए। हाँ ठीक है, ओके। तो ये यूवी मैप मॉडिफायर अपने देख लिया था, बहुत इजी चीज है ये, बहुत फास्ट काम करने के लिए। थोड़ा सा इसकी आपकी इसकी फोन की ऑडियो थोड़ी कम कर लो, मतलब फोन का, कि मेरे पास रिटर्न में बहुत ज्यादा आ रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, अब सही है। हाँ तो ये अपना यूवीडब्ल्यू मैप जो मॉडिफायर है इसको अपने देख लिया था। इसमें ये स्टार्टिंग के ऑप्शंस क्या क्या हैं, आगे के जो ऑप्शंस हैं ये मोस्टली यूज नहीं आते हैं, मोस्टली के ये यूज आते ही नहीं है, क्योंकि इनको यहाँ सेट करने के बजाय अपन डायरेक्ट मटेरियल की सेटिंग्स में सेट कर सकते हैं। तो इनका कोई काम नहीं है, अपना काम सिर्फ यहीं तक है, ये लास्ट में चैनल तक। चैनल भी देखेंगे आगे, पहले अपन अनरैपिंग देख रहे हैं। तो ये तो अपना यूवीडब्ल्यू मैप हो गया था। नेक्स्ट मैंने बताया था यूवीडब्ल्यू, ये अनरैप यूवीडब्ल्यू। इसमें क्या होता है कि अपन इसको खोलते हैं 2D, 2D के अंदर। जैसे कि ये बॉक्स मेरा बना हुआ है, इसकी ये, अब ये जो ग्रीन ग्रीन लाइनें आ रही थी मैंने बताया था, इनको सीम्स बोलते हैं, सीम। और इसको मेरे को कहते हैं ये 3D ऑब्जेक्ट, इसको मेरे को 2D में खोलना है, मतलब इसकी कटिंग करके फेसेस को 2D में प्लेस करना है। तो अगर मैं यहाँ पर इसका ओपन यूवीडब्ल्यू एडिटर पर क्लिक करता हूँ तो इसके मेरे फेसेस आ जाते हैं सारे, ये मेरे इसके सारे फेसेस आ गए, कुछ ओवरलैप कर रहे हैं ये, तो ये इसके मेरे सारे फेसेस हैं, ये मेरे 2D में ये खुल गया है टेक्सचर। तो
तो अब ये मेरा टेक्सचर बहुत छोटा रहा है, तो मैं इसको छोटा बड़ा करना है, तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके इसको स्केल कर सकता हूँ। ये सब मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो अब मेरे को इसमें इसी चीज को हमें थोड़ा सा और आगे देखेंगे कि इसमें और क्या क्या फंक्शन है और क्या ये मोस्टली किस काम में आता है, जब काम दोनों सेम कर रहे हैं ये भी और ये भी, तो इसमें डिफरेंस क्या है। तो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक बॉक्स लेता हूं, इसको मैंने कन्वर्ट, इसमें मैंने जनरेट, इसको अनरैप किया मैंने और इस पे मैंने ये टेक्सचर डाल दिया। टेक्सचर देखा मैंने, इस टेक्सचर का साइज बढ़ा देता हूं मैं। अगर मुझे चाहिए कि मेरा टेक्सचर ये किस काम में आएगा, अगर मेरे को चाहिए कि मेरा टेक्सचर ये रिपीट करे, यहां से रिपीट नहीं कर रहा, देखिए यहां सीम आ रही है, ये इधर भी सीम आ रही है, इधर भी सीम आ रही है, इधर भी सीम आ रही है, मतलब मेरे को इनको मिनिमाइज करना है कि मोस्टली ये रिपीट करे और अपना सीम कम से कम आए। तो उसके लिए अपन ये वाला मॉडिफायर यूज करेंगे, उसमें ये UVW मैप में नहीं होगा, ये यहाँ पर होगा। जब अपन को मिनिमाइज करना हो कि भैया हमको कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें सीम प्रेजेंट नहीं हो, और प्रेजेंट हो तो मिनिमम हो, सीम तो आती है हमेशा, लेकिन उसको मिनिमाइज करना है तो अपन इसको यूज करेंगे। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, तो इसमें मेरा ये टेक्सचर आ गया। मैं इसमें फ्रंट फेस इसका सिलेक्ट करता हूँ, कैसे करेंगे, मैंने ये लास्ट टाइम पर बताया था कि एक फेस सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब मैं इसकी एक एज ले लेता हूँ, ये एज सिलेक्ट करिए, मेरे को यहाँ से सीम हटानी है, तो यहाँ से मैं इसको स्टिच करूंगा, स्टिच कस्टम। तो स्टिच कस्टम से क्या होगा, जो इसके पास वाला जो फेस है, जो इससे जॉइंट है, वो अपने आप इससे आकर के जुड़ जाएगा, जैसे यहाँ से जुड़ गया ये। इसके अंदर अपन देख सकते हैं व्यू, 2D व्यू के अंदर, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से सीम चली गई, टेक्सचर ऐसे रिपीट कर रहा है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अपना टेक्सचर भी रिपीटिंग होना चाहिए, अगर अपना टेक्सचर सीमलेस नहीं है तो इन सब करने का कोई मतलब नहीं है। तो मेरे को यहां से भी हटानी है, तो मैं यहां से सिलेक्ट करी और इसको स्टिच कर दिया, यहां पर भी मैं स्टिच कर देता हूं, यहां पर भी मैं स्टिच कर देता हूं, और एक यहां और कर देता हूं, तो मेरी इतनी सीम्स कम हो गई, मेरा टेक्सचर रिपीट कर रहा है, यहां पर भी रिपीट कर रहा है, इधर भी रिपीट कर रहा है। इसकी स्केलिंग कम ज्यादा करनी है तो मैं इसको सिलेक्ट करके इसको स्केल कर सकता हूं कम ज्यादा। तो ये इसमें ऑप्शंस आते हैं अनरैपिंग के। अब इसमें एक क्लास आगे अपन ने इसका और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट अनरैप करना सीखेंगे, पर अभी अपने वो काम का नहीं है, तो अभी अपन उसको थोड़ा छोड़ के चलते हैं, अपन और देखते हैं जब जहां पर ये दोनों मॉडिफायर काम में नहीं आते तब अपन क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक रोड बनाना है, मैंने एक लाइन ली, मुझे इस शेप में रोड बनाना है, ये ऐसे घूमता हुआ। ठीक है, मुझे ऐसा टेढ़ा सा रोड बनाना है, उस पर मेरे को टेक्सचर भी डालना पड़ेगा। तो बनाने के तरीके कई हैं, हर जना अलग अलग तरीके से बनाता है, सिखाते भी लोग अलग अलग तरीके से है। कुछ लोग ऐसे बनाते हैं कि प्लेन ले ली हमने, मान लीजिए ये क्या हुआ, एक मिनट, जैसे अपन ने एक दो तरीके देख लेते हैं इसको मॉडल, रोड को मॉडल करने के। क्योंकि ये चीज क्या होता है कि जब अगर रोड बना रहे हैं और रोड पे अपने टेक्सचर डाल रहे हैं, या रोड या ऐसी कोई भी चीज मान लीजिए बना रहे हैं, जिसपे अपन को जो ऐसे घूमती हुई है स्प्लाइन से बन रही है अपनी, है ना, इस टाइप की शेप है जो कर्व में है, तो उसमें अगर अपन टेक्सचर डालेंगे तो अपने ना ये UVW मैप काम में आएगा ना ये अनरैप काम में आएगा। तो उसको अपन मॉडल ही किस तरीके से करना है वो देखेंगे। तो पहले अपन बेसिक तरीका देखते हैं, जैसे नॉर्मली करते हैं मॉडल।
इसको मैंने कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर दिया। कुछ लोग इस तरह से मॉडल करते हैं, इसको मैं यहाँ से एक्सट्रूड कर देता हूँ, ऐसे एक्सट्रूड करते हुए चलता हूँ, वर्टेक्स सेलेक्ट करी और इनको मैंने एंगल देना शुरू कर दिया। एक तो तरीका हो गया इस तरीके से, शिफ्ट के साथ एज सेलेक्ट करी मैंने, एज सेलेक्ट करके शिफ्ट दबा करके ड्रैग करेंगे तो ये एक्सट्रूड हो जाएगा। तो एक तो तरीका ये है, इससे अपनी प्रॉब्लम क्या आएगी, वृत्त भी सेम नहीं आएगी, वो भी नहीं आएगा। एक तरीका ये है बनाने का। दूसरा तरीका क्या करते हैं, इसको मैं डिलीट मारता हूं, मैंने एक बॉक्स और बनाया, यही बनाता हूं बॉक्स, इसको मैंने यहाँ एंगल पे दे दिया और यहाँ गया मैं कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। ये पॉलीगॉन सिलेक्ट किया, यहाँ पर आता है एक्सट्रूड अलोंग स्प्लाइन का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करके अगर मैं एक मिनट, इसमें ऑप्शन आएगा स्प्लाइन सिलेक्ट का, ये मैंने सिलेक्ट कर दी तो ये मेरा स्प्लाइन के अलोंग एक्सट्रूड हो गया। एक तरीका ये होता है, इसमें ये मैं बढ़ा देता हूँ, इसमें भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, तो ये भी एक तरीका होता है कि भैया इस तरह से भी एक्सट्रूड कर देंगे, लेकिन ये इस तरीके से अगर अपन मॉडल करेंगे फास्ट तरीका तो अपना बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं जैसे इस पे टेक्सचर डालता हूँ अपना रोड का, मेरे पास में एक रोड का टेक्सचर है, जैसे ये वाला टेक्सचर है, इसको मैंने यहाँ से ड्रॉप एंड ड्रैग कर दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप सॉरी, यहाँ से मैंने टेक्सचर लिया इसका, ये क्या होगा मैंने एक स्टैंडर्ड मटेरियल लिया, असाइन टू सिलेक्शन, यहां से मैंने टेक्सचर उठाया, इस पर डाला और इसको शो इन व्यू पोर्ट कर दिया। तो यहां तो मेरा टेक्सचर आ रहा है लेकिन यहां नहीं आ रहा। मैं इसको कैसे भी सेट करने की कोशिश करूं, इसमें जाता हूं मैं, प्लेन से करने की कोशिश करता हूं तो भी सेट नहीं होगा, ठीक है, और कोई इसमें ऑप्शन है नहीं, फेस वाले पे भी जाता हूँ तो भी नहीं होने वाला सेट, ठीक है। अगर मैं इस पे इसकी जगह अनरैप वाला मॉडिफाइड डालता हूँ, यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट सीम का ऑप्शन लेता हूँ, और अगर मैं ऐसे करता हूं तो भी मेरा नहीं आएगा, मतलब ये मेरे को सीधा चाहिए, तो इसको कैसे करेंगे? तो अगर अपने को रोड वगैरह ऐसी चीजें बनानी है जो कर्व में है, तो वो अपने को क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट स्प्लाइन से बनानी पड़ेगी। स्प्लाइन से किससे बनेगी, ये अपनी लाइन है, इसी से बना लेता हूं मैं डायरेक्टली। इसमें गया मैं, रेंडरिंग ऑप्शन में होता है अनेबल अनेबल, इन दोनों को अनेबल करो तो देखोगे ये इस पे इसकी थिकनेस आ गई। अब मेरे को इसमें दो ऑप्शन होते हैं अपने, एक तो रेडियल ऑप्शन होता है और एक रेक्टेंगुलर ऑप्शन होता है, इसको मैंने रेक्टेंगुलर ऑन कर दिया,